हेलो एवरीवन, आज हम जो गाना सीखने वाले हैं, गाने के लिए आकार में, स्वरांकन में, मतलब नोटेशन के साथ, स्वरों के साथ और कीबोर्ड के ऊपर, हारमोनियम के ऊपर, सिंथेसाइजर के ऊपर बजाने के लिए, वो गाना है, आप गेस कीजिए। मैं 2-3 सेकंड्स के लिए साइलेंस हो जाता हूँ, शायद आपको रिदम पे से पता चले। यस, एनीबॉडी कैन गेस? यू आर एब्सोल्युटली राइट। कौन सा गाना है? वंदे मातरम। तो आओ मैं इसको आपको सबसे पहले तो गाते हुए गा करके बता रहा हूँ, बाद में आकार और स्वरांकन नोटेशन, ठीक है ना। एक बात आपको पहले बता दूँ कि जो हमारा नेशनल एंथम जन गण मन है, उसका टाइमिंग फिक्स है, वो 53 सेकंड्स के आसपास होना चाहिए। वैसे तो एग्जैक्टली 52-53 सेकंड्स, लेकिन एकाध दो सेकंड चल जाएगा। लेकिन ये जो वंदे मातरम है, इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं है कि इतना 1.25 मिनट में ख़त्म होना है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड स्पीड है वो इतना ही होना चाहिए, इसके आसपास, जो ये स्पीड फिलहाल चल रही है उसके आसपास। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्सना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिनीं सुखदां वरदां मातरं, वंदे मातरं, वंदे मातरं, वंदे मातरं। अब आपको पता चला होगा शायद कि ये और ये, अब ये हमारा सारे गम पदनी सा, तो ये जो है इसको शुद्ध नी कहते हैं, निषाद जिसको कहते हैं क्लासिकल लैंग्वेज में, और नी तो ये कोमल नी है, ये शुद्ध नी है। तो हमारे गाने में भी जहाँ पे हमको कोमल नी की जरूरत है वहां पर कोमल निषाद, और जहां पे शुद्ध निषाद की जरूरत है वहां पर शुद्ध निषाद, कोमल निषाद, शुद्ध निषाद। तो ये निषाद क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इसको सा को षडज कहते हैं, रे को ऋषभ कहते हैं, ग को गंधार कहते हैं, म को मध्यम कहते हैं, प को पंचम कहते हैं, ध को धैवत कहते हैं, और नी को निषाद कहते हैं, और फिर से ये षडज, तो ये तार षडज है। अब षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद षडज, तो ये शुद्ध है सारे, और ये कोमल निषाद है, तो कोमल निषाद शुद्ध निषाद। तो हमें क्या करना है कि कौन सा नी इस्तेमाल करना है दोनों में से, वो उस लाइन के हिसाब से हमें ध्यान में और याद रखना है। तो अब मैं स्वरों के साथ आपको गाकर बता रहा हूँ, एक बार फिर आकर मैं बाद में गाऊंगा, पहले स्वरों में एक बार देख लीजिए। सारे म प म प म प नी सा नी सा सारे नी ध प ध म ग रे
रे प म ग रे ग रे सा, सा रे म प म प प नि ध प म प नि सा नि सा, म प नि सा नि सा, म प नि 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 सा नि सा, नि 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 सा नि सा, प रे सा नि ध नि ध प, रे म ग रे रे नि ध नि ध प ध म प, म प नि 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 सा नि सा, म प नि सा नि सा, म प नि सा नि सा। तो हमें गाना पता भी होना चाहिए, तब जाके हम इसको नोटेशन में गा पाएंगे या बजा पाएंगे। तो अब आकार में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये था आकार में। अब जैसे मैंने आपको बताया कोमलनी शुद्धनी, अब हमें अगर आकार में गाना है तो हमें क्या पहले वंदे मातरम शब्दों के साथ आना जरूरी है। शब्दों के साथ आएगा पूरे प्रोनाउंसिएशन के साथ, अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ, फिर आकार में, और बाद में एक बार ट्यून आ गया तो उसको स्वरों में डालना, स्वरों में ढालना और स्वरों में गाना, वो शायद और भी आसान हो जाए। तो एक बार फिर से सुन लीजिए और देख भी लीजिए अच्छी तरह से, फिर बाद में एक बार वापिस मैं इसी नोटेशन के साथ आपको गाकर बताने की मेरी कोशिश करूंगा। आपको ये पूरा देखना होगा अच्छी तरह से, पहली बार जब आप देखोगे तब, तो आपको बाद में बार बार जब भी देखोगे तो ज़्यादा और भी समझ में आएगा। लेकिन पहली बार जिसने अच्छे तरह से शांति से सोच कर समझ कर देख लिया होगा और सुन लिया होगा, मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ, तो आपको बाद में और भी आसानी हो जाएगी। और ये भी नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, तो इसको भी खड़े रहकर सावधानी में गाया जाता है, लेकिन फिलहाल हम सीख रहे हैं तो उसकी कोई पाबंदी नहीं रहेगी। लेकिन जब आप एक्चुअल में कहीं पे गा रहे हो, बजा रहे हो, तो आपको सावधान में अटेंशन पोजीशन में खड़े रहकर ही इसको गाना है या बजाना है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्यश्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित परेशानिध निधप, रे म
गरे रे निध निध प ध म प म प नि 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 सा नि सा म प नि सा नि सा म प नि सा नि सा। मैं आपको बता दूं, ये जो गाना है वो क्लासिकल संगीत में रागदारी आती है, राग आते हैं कुछ, उसमें ये गाना देश राग पर आधारित है और देश राग जो है वो वीर रस प्रधान है। हमारे ज्यादातर पैट्रियोटिक सॉन्ग जो है या होंगे वो देश राग में भी हो सकते हैं या होने चाहिए। ये तो बहुत ही बढ़िया नमूना है, अच्छा सा उदाहरण है देश राग को सीखने का। तो एक बार फिर से आखिरी बार मैं आकार में, शब्दों में और नोटेशन के साथ गाकर बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आपको कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर यू ओवर देयर। मैं आपको गाइड करने की वहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा, बस शर्त यह है कि आपका ये वीडियो अगर पूरी अच्छी तरह से एक बार कम से कम देखा होगा तो आपको वो शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या पड़ेगी तो भी मैं हूँ। आई एम देयर फॉर यू वन एंड ऑल। यू कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स इफ़ यू वॉन्ट एनी काइंड ऑफ असिस्ट और गाइड। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्यश्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्सना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिनी सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जब आपको शब्द के साथ गाना आ जाएगा, शब्द पूरे पता होंगे, तो आप आकार में भी अच्छी तरह से गा सकते हो। कैसे? आ, 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 इसको अच्छी तरह से आकार में गाना गा लिया, गाकर सीख लिया अच्छी तरह से, तो स्वरांकन के साथ, नोटेशन के साथ, स्वरों के साथ गाना और भी आसान हो जाएगा। आओ अब स्वरों के साथ एक बार गाते हैं, बजाते हैं, गुनगुनाते और सीखते हैं। ये नी और ये नी, ये दोनों याद रखने की बात है आपको। कौन सी जगह पे कौन सा नी नी इस्तेमाल करना है आपको पता होना चाहिए। निषाद,
सा रे म प म प म प नी सा नी सा सा रे नी ध प प ध म ग रे रे प म ग रे ग रे सा सा रे म प म प प नी ध प म प नी सा नी सा म प नी सा नी सा म प नी 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 सा नी सा म प फिर से एक बार म प नी 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 सा नी सा।